सो हेलो भाई, वेलकम बैक टू अनदर डे, अनदर ब्लॉग एंड अनदर कार। हम देख रहे हैं आप हुंडई i20। ये फेसलिफ्ट वेरिएंट है 2023, स्पोर्ट्स वेरिएंट देख रहे हो आप, मैन आईबीटी में, ऑटो में 9,37,900 एक्सशोरूम प्राइस आ जाते हैं इसके दिल्ली के अंदर। स्टेरी नाइट कलर देख रहे हो आप। क्या क्या अपडेशन हुई है फेसलिफ्ट वेरिएंट में 2023 में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे ग्रिल चेंज हो चुकी है, ऐसे ही काफी चेंजेस है फ्रंट से, जो लोग जानते होंगे इस चीज को कि क्या चेंज हुआ है, कुछ लोगों ने पहचान भी लिया होगा। मोनोटोन में देख रहे हो आप स्टेरी नाइट कलर, इसमें आपको डुअल टोन ऑप्शन भी मिल जाता है। ऑटो देख रहे हैं हम आईबीटी। अब बात कर ले अपडेशन की, इसमें हमें अपडेशन क्या क्या मिल रही है, क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। तो फ्रंट से स्टार्ट करेंगे, रूफ रेस वगैरह तो नहीं है, ऊपर शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है इस पे, वहां पे इस तरह से मैनुअल वाइपर मिलेंगे विद टू वॉशर, कुछ इस तरह से बोनट भी आ जाता है कर्व लाइन के साथ। यहाँ पे हुंडई का लोगो, ग्रिल पूरी चेंज हो चुकी है, ग्लोसी ब्लैक में ग्रिल मिलेगी आपको देखने के लिए, और जो हुंडई का लोगो है मैट गार्निश में देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा मैट लुक में आने लग गया है। वहीं हेडलैम्प यूनिट की बात करेंगे, यहाँ कोई चेंजेस नहीं हुए, डीआरएस वगैरह पहले भी नहीं मिलते थे हमें, यहाँ पे इंडिकेटर हाइलोजन बेस हेडलैम्प यूनिट मिलेगी, पार्किंग लाइट डीआरएस आ गए हैं अब इसके अंदर। यहाँ देख रहे हो अब 5 स्पोक्स में आपको 1, 2, 3, 4, 5 लाइन दिख रूंगी डीआरएस की, तो कुछ इस तरह से डीआरएस मिल जाते हैं। और ये ग्लोसी ग्रे सिल्वर स्किड प्लेट टाइप आपको पार्ट देखने के लिए मिलेगा बंपर में नीचे, बाकी जो लोअर रेडिएटर ग्रिल है वो ब्लैक ही देखने में मिलेगी, ग्लोसी ब्लैक। बाकी यहां से गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट लुक आप देख लो कि कैसी गाड़ी लग रही है, डीआरएल से इसका लुक थोड़ा और अट्रैक्टिव हो गया है। अब आ जाते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे, तो यहाँ से साइड प्रोफाइल भी देख लो, डायमेंशन में कोई चेंज नहीं है फेस लिफ्ट में, अलॉयज कुछ इस तरह के मिल गए हैं इसमें, ग्लोसी ग्रे और बीच में आपको ब्लैक ट्रीटमेंट दिख रहा होगा। प्लेन फेंडर है, फेंडर पर कोई क्लैडिंग वगैरह का पार्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। टायर साइज की बात करें तो 195/55/16 का टायर साइज मिल जाएगा हमें। फ्रंट डिस्क ब्रेक दिए हुए हैं हुंडई का लोगो। रियर हमें देख लेते हैं एक बार, रियर ड्रम ब्रेक्स हैं, फ्रंट डिस्क है, रियर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। ए पिलर बॉडी कलर है, बी और सी ब्लैक मिलेंगे। ORBM आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेंगे, और रिएक्टेबल मिलते हैं नहीं मिलते वो मैं अंदर दिखा दूंगा, बट इंडिकेटर यहाँ पे है ऊपर बॉडी कलर और नीचे ब्लैक, बाकी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो है ही, रिएक्टेबल मैं आपको दिखा दूंगा अंदर है या नहीं। यहाँ गार्निश बीडिंग मिल जाएगी आपको देखने के लिए, डोर हैंडल्स सेम बॉडी कलर मिलेंगे, यहाँ तक बीडिंग का पार्ट मिलेगा बिल्कुल इस जगह तक आपको देखने के लिए, छोटा सा क्वार्टर पैनल ग्लास मिल जाता है, यहाँ पे आपका फ्यूल लाइट मिल जाता है, अगर गाड़ी अनलॉक है तो फ्यूल लाइट भी आपका ओपन हो जाएगा। पेट्रोल वेरिएंट है, डीजल तो इसमें आना बंद ही हो चुका है। यहाँ कुछ इस तरह से LED बेस आपको रियर टेल लैंप्स मिलेंगे इस जगह पे, कनेक्टेड नहीं है यहाँ पे, ये रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं, इसे आप आफ्टर मार्केट कनेक्टेड करा सकते हैं, बट यहाँ गार्निश बीटिंग मिल जाएगी आपको। यहाँ पे आपका इंडिकेटर, ये आपका रिवर्स लाइट, नीचे रिफ्लेक्टर दिया हुआ है बम्पर पे भी। यहाँ पे i20 की बैजिंग, स्पोर्ट्स वेरिएंट है तो स्पोर्ट्स की बैजिंग, हुंडई का लोगो, रियर डिफॉगर, हाइमाउंट स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना, रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। जो रियर बम्पर है इसमें भी आपको स्किड प्लेट टाइप सिल्वर ग्लोसी सिल्वर ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया हुआ है इस जगह पे। अब आ जाते हैं ड्राइवर साइड, तो यहाँ से ड्राइवर साइड भी देख सकते हैं आप। अच्छा, क्वार्टर पैनल पे बूट गेट के यहाँ हमें कुछ एक ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट भी मिलता है देखने के लिए, ये वाला। डोर हैंडल्स दिखा चुका आपको, बॉडी कलर है, यहाँ भी कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, चाबी की जगह। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, इस फेंडर पे हमें ऑटो की बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगी, तो कुछ इस तरह की मिलेगी, फ्लिप की मिलेगी, लॉक अनलॉक है बूट गेट अनलॉक करने के लिए, ये कुछ इस तरह की एक फिजिकल की आपको मिल जाएगी। ड्राइवर डोर ओपन कर लेते हैं, तो यहां से आप देख सकते हैं फ्रंट गाड़ी का। अब आ चुके हैं हम ड्राइवर डोर पैनल पे, तो यहां से आप ड्राइवर डोर पैनल देख ले, डुअल टोन में इसका पूरा इंटीरियर दिया हुआ है हमको ब्लैक और बेज कलर के अंदर। यहाँ पे ट्विटर दिया हुआ है, ये डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, चारों पावर विंडो मिलेगी, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल ORBM से मिलेंगे, ड्राइवर वन टच अप वन टच डाउन है, चाइल्ड लॉक के लिए ड्राइवर ट्री मामले हार्ड टच में मिलेगा, स्पीकर वाटर बॉटल स्पेस, टोटल 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं इसमें हमें। यहाँ पे आपको डुअल टोन में सीट्स मिलेंगी इसकी देखने के लिए, सेमी लेदर में, एयरबैग टोटल 6 एयरबैग मिल जाते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, टोटल इसमें 6 एयरबैग्स दिए हुए हैं। यहाँ आपका ब्रेक एक्सीलेटर एक डेड पैडल मिल जाएगा, यहाँ पे आपका ट्रैक्शन ऑन ऑफ ड्राइव मोड के लिए और हेडलाइट हाइट एडजस्ट करने के लिए, ऊपर AC वेंट। अब यहाँ लगा देते हैं चाबी और चलते हैं गाड़ी के अंदर।
इंटीरियर में स्टार्ट करेंगे स्टेयरिंग से, तो कुछ इस तरह का स्टेयरिंग मिलेगा, कोई रैप नहीं है स्टेयरिंग पे, बट स्टेयरिंग एडजस्टमेंट देख लेता हूँ। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट आपको यहाँ मिल जाती है, स्टेयरिंग आपको टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं है। अब जैसा बात करते हैं स्टेयरिंग की, कोई रैप वगैरह तो नहीं मिलता हमको स्टेयरिंग पे, फोर स्पोक स्टेयरिंग दिया हुआ है इसमें। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल दिए हुए हैं, यहाँ पे आपके क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल दिए हुए हैं, ह्यूंडई का लोगो, एयरबैग, टोटल 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। बाकी स्टेयरिंग आप देख सकते हैं, टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिंग है, ये दोनों स्पोक हमें ग्लोसी ग्रे मिलेंगे। यहाँ पे आपका ऑटो हेडलैम्प कंट्रोल मिल जाएगा इस जगह पे, यहाँ पे आपके मैनुअल वाइपर कंट्रोल्स है। और दिखा देता हूँ इसको, मीटर एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर किस तरह का मिल जाता है इसमें। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैं कर लेता हूँ यहाँ से ऑन, तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा डिजिटल मिलेगा आपको। ये आपका स्पीड मीटर, यहाँ पे आरपीएम्स है, ब्लू थीम वगैरह सी कुछ इसमें सेट की हुई है। लाइटिंग देखेंगे अभी चेंज हो सकती है नहीं हो सकती। यहाँ पे फ्यूल गेज, ये इंजन टेम्परेचर गेज। फीचर्स की बात करें तो इसमें आप सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं आपके, जो बैटरी वगैरह इसके, यहाँ पे आरपीएम आपके डिजिटल भी दिखेंगे और स्पीड भी आपको डिजिटल भी दिखेगी, और फ्यूल गेज और इंजन टेम्परेचर गेज, कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, पूरा डिजिटल है ये। ऊपर आएंगे कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू देखने के लिए मिलेगा आपको, डैशबोर्ड पे आप देख सकते हो। यहाँ साइड में आ जाएंगे तो यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ, ये हमें 8 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, इसमें 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं, ये ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट मिलेगा। फिजिकल बटन इसके यहाँ पे, इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले मिल जाएगा, यूएसबी के थ्रू आपका वो कनेक्ट होगा। यहाँ हजार लाइट का बटन, 2 AC वेंट्स, ये भी ग्लोसी ग्रे ट्रीटमेंट दिया हुआ है जो काफी प्यारा लग रहा है देखने के लिए, ये भी वेंट्स जैसा कुछ लुक दिया हुआ है। यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको ऑटो एसी के कंट्रोल्स मिल जाएंगे सारे देखने के लिए, यहाँ पूरे ऑटो एसी के। फ्रंट रियर डिफॉगर के लिए ये फैन स्पीड और टेम्परेचर के फिजिकल बटन है, छोटी सी MID दी हुई है यहाँ पे, यहाँ एक 12 वोल्ट का आउटपुट है, USB Type-C कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा इसमें हमें देखने के लिए। ये शिफ्ट लॉक करने के लिए मैनुअल हैंड ब्रेक्स, 2 कप होल्डर्स, यहाँ आर्मरेस्ट मिलेगा स्टोरेज के साथ आपको, ग्लोब बॉक्स में भी कूल्ड ग्लोब बॉक्स है, स्टोरेज जो है उसकी कूल्ड मिलेगी आपको। ऊपर आएंगे यहाँ पे मैनुअल डिमिंग IRVM से, यहाँ पे सनग्लास होल्डर मिल जाएगा, 2 येलो रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं आपको आगे इस जगह पे, और एक पीछे मिल जाएगी, और यहाँ आप यहीं से ऑन कर सकते हैं तीनों, और यहीं से आपका ऑफ हो जाएगी। बाकी यहाँ से आप पूरा ड्राइव फ्रंट देख सकते हैं। अब चलते हैं पैसेंजर सीट्स पे, इसे मैं कर देता हूँ बंद, ओपन कर लेते हैं ड्राइवर डोर और आ जाते हैं पैसेंजर सीट्स पे। तो डुअल टोन में तो इंटीरियर दिखा चुका, बाकी इसमें अब जब ये 2023 में इन्होंने अपडेशन दिया है फेस लिफ्ट में, जो रियर वाला पैनल है पूरा ही बैच कलर में कर दिया, सिर्फ थोड़ा सा ट्रीटमेंट मिल जाता ब्लैक का, पूरा बैच कलर के अंदर कर दिया। यहाँ डोर ओपनर, लॉक अनलॉक के लिए ग्लास अप डाउन करने के लिए, पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट, हार्ड टच में स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस, 2 AC वेंट्स मिल जाएंगे, एक USB चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे आपको, एड ऑन हेडरेस्ट है या एडजस्टेबल नहीं है, एड ऑन हेडरेस्ट मिलेंगे, यहाँ रीडिंग लाइट मिल जाती है आपको। अब आ जाते हैं बूट स्पेस पे, यहाँ इलेक्ट्रिक बटन मिल जाएगा बूट गेट ओपन करने के लिए, पार्सल ट्रे मिल जाती है आपको, कुछ इस तरह का बूट स्पेस है यहाँ पे। लाइट वगैरह नहीं मिलती, वेट हैंग करने के लिए यहाँ जगह मिल जाती है आपको। ये आपका स्पेयर व्हील, यहाँ पे विद टूल्स पार्सल ट्रे मिल जाती है। तो भाई ये था आपका i20 स्पोर्ट्स फेसलिफ्ट BS62 2023 का इंटीरियर एक्सटीरियर। इंजन स्पेसिफिकेशन सेम है, इंजन में कोई चेंजेस नहीं हुए, की में चेंजेस हुए से पर वेरिएंट है जो उसमें आपको की वरना वाली मिल जाती है आस्था में देखने के लिए। बाकी ये स्पोर्ट्स वेरिएंट था, गाड़ी कैसी लगी फेसलिफ्ट में ये बताना, जो चेंजेस हैं वो कैसे लगे आपको वो बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।